हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर ने रिलीज से पहले ही ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स के साथ 70 करोड़ रुपए की भारी कमाई करते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म में रामचरण, एंटी रामा राव जूनियर, अजय देवगन और आलिया भट्ट अहम किरदारों में दिखेंगे। कोई शक नहीं कि बाहुबली धमाका के बाद दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों के अनुसार आरआरआर के निर्माता लगभग 70 करोड़ रुपए के विदेशी नाटकीय अधिकार के साथ एक विशाल बैंक रोल पर थे, जो एक विदेशी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हाउस फार्स फिल्म से प्राप्त किए गए थे। ये फिल्म लगभग 300 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तैयार हो रही है। आरआरआर के बारे में दिलचस्प जानकारी ये है कि फिल्म की टीम ने पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे शेड्यूल पर काम कर रही है। फिल्म 1920 के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम के इर्द गिर्द घूमती हुई एक काल्पनिक कहानी है, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी। एक बार जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी तो ये निश्चित रूप से अपनी मजबूत कहानी और प्रभावशाली दृश्य चित्रण के साथ साथ ब्लॉकबस्टर निर्देशक राजामौली द्वारा एक ब्लॉकबस्टर हिट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म साबित होगी। आरआरआर एक पीरियड एक्शन फिल्म है। ये तेलुगु और तमिल में एक साथ बनाई जा रही है, जबकि हिंदी और मलयालम में भी डब की जा रही है। एसएस राजामौली द्वारा लिखित ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म इतनी ही बड़ी साबित होगी जितनी की बाहुबली थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।